और आप सभी लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं व्हाट्सअप 1 नवंबर से बंद हो जाएगा उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। ये वीडियो कोई फेक नहीं है, ये वीडियो ओरिजिनल है। जो आप फेक समझकर इस वीडियो को स्टॉप कर दें, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि रियल में व्हाट्सअप आपके फ़ोन पर बंद हो सकता है। आप उस डिवाइस के मैं नाम बताऊँगा। यदि आप iOS और यदि एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उस पर सपोर्ट किन किन मोबाइल पर सपोर्ट बंद होगा उसकी जानकारी बताऊंगा। यदि आप व्हाट्सएप बंद होने से पहले क्या करना है और यदि आपको व्हाट्सएप बंद करने के बाद क्या करना है उसकी जानकारी बताऊंगा। यदि आप iOS के डिवाइस जैसे कि आईफोन और एंड्रॉयड यूजर जैसे कि सैमसंग, रेडमी, हुआवे, रियलमी, LG और इसमें किन 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 मोबाइल किन किन आई एंड्रॉयड पर बंद होगा इस व्हाट्सअप, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, आपको पूरी फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको पहले यदि आप आपके चैट पड़ी हैं व्हाट्सअप वीडियो, उनको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो पूरा कवर किया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात मैं बता दूँ कि 1 नवंबर से एंड्रॉयड 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच iOS 9 और के iOS 2.50 के लिए सपोर्ट बंद कर देगा पूरी तरह से, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने व्हाट्सएप पे अपग्रेड किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। व्हाट्सएप ने पहले दिसंबर 2020 में पुराने डिवाइसों के लिए सपोर्ट समाप्त कर दिया था पहले ही कुछ डिवाइसों पर। तो यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं iOS तो आपको क्या करना होगा, यदि आप इसके बाद आपको अपडेट करने के यदि कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए फ़ोन, अदरवाइज आपका मोबाइल पे व्हाट्सअप बंद कर देगा। व्हाट्सअप की तरफ से आपको सपोर्ट करना बंद हो जाएगा और आपका जैसे ही आप व्हाट्सअप इंस्टॉल करोगे, आईडी बनाओगे, कुछ भी करोगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। उसका ऐसा एल्गोरिदम बना दिया गया है व्हाट्सअप का, जैसे ही आप उस पर इंस्टॉल करके आईडी लॉगिन करोगे तो यदि तो आपका ये फ़ोन पर नहीं चलेगा। तो यदि आप व्हाट्सएप से इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको आपको फ़ोन को अपग्रेड कर लेना चाहिए या तो इस एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो आपको मैं एंड्रॉयड में बता दे रहा हूँ कि आपको, और अब यदि आपको व्हाट्सएप बंद होने से पहले आपको गूगल ड्राइव पर आपको बैकअप लेने लेना चाहिए, जिससे कि आपके चैट और वीडियोज और फाइल जो हों आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो आपके सुरक्षित रहें। और आपको मैं अब ले चलता हूँ किन मोबाइलों पर ये 40 से ज़्यादा मोबाइल पर व्हाट्सअप काम करना बंद कर देगा, ये आपको मैं बता दूँ कौन कौन से हैं। उनके मैं आपको पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे पूरी लिस्ट। इसमें सोनी के एक्सप्रिया, हुआवे एसएन मेट एंड एसएन टू, एप्पल आईफोन एसई 6S एंड 6X+, सैमसंग के कुछ फ़ोन हैं जैसे कि सैमसंग गलेक्सी S3 मिनी, ट्रेंड थर्ड, ट्रेंड लाइट कोर AC2, LG के कुछ फ़ोन हैं LG ऑप्टिमस F7, F5, L3 सेकेंड डुअल, F7 सेकेंड, F5 सेकेंड। आपको ये लिस्ट देख रहे हैं जैसे कि आप, तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। यदि आपको व्हाट्सअप बंद हो जाए या उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन या तो इससे अपग्रेड कर लेना है। इन फ़ोनों पे अब व्हाट्सअप 1 नवंबर से पूरी तरह से बंद हो जाएगा, आपको सपोर्ट देना बंद कर देगी, इसलिए आपको इन फ़ोनों को जल्द से जल्द अपग्रेड कर लेना चाहिए या तो आपको एक्सचेंज कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो आपको अपने चैट को बैकअप लेना चाहिए। इन फ़ोनों पे अब 1 नवंबर से व्हाट्सअप बंद हो जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही आपको वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।